देखें 80 से 87, 87 से 108, 108 से 143. सबसे पहले तो चेक करेंगे आखिरकार ये डिफरेंस हो किस तरह आ रहा है. 7, 21 और 35. कुछ मल्टीप्लिकेशन है या कुछ एडिशन है, कुछ ना कुछ ऐसा ही है. वर्ड है तो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है. अब 7, 7 के टेबल में आता है, 21 भी आता है, 35 भी आता है. तो 7 के टेबल में तो 14 भी आता है, 28 भी आ रहा है. यानी 7 का टेबल एडअप हो रहा है लेकिन ऑड मल्टीप्लिकेशन के साथ. अब 7 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 होता है. जैसे 49 को मैं प्लस कर देता 192 हो जाता. यहाँ देखिए 6 का पर 16 का 26, 36. यानी एडअप हो रहा है 10-10 के फर्क से वो नंबर जिसके एंड में 6 होता है. 46 को अगर मैं अब इसके अंदर एडअप करूँगा मेरे भाई तो ये 150 आंसर आ जाएगा. ये 8 का वेक्टोरियल, 7 का वेक्टोरियल, 6 का वेक्टोरियल, 5 का वेक्टोरियल 120. ये मेरे भाई 2 का स्क्वायर, 3 का, 5 का, 7, 11 और 13. देखिए एक तो 9 का स्क्वायर मिसिंग है, ठीक है, इसके अंदर. और एक ख़ास बात यह है कि 2 का स्क्वायर शामिल है. जब 2 शामिल हो और 9 गायब हो तो बात प्राइम नंबर की हो रही होती है, ऑड नंबर की नहीं हो रही होती. अगला प्राइम नंबर 17 होगा जिसका स्क्वायर 289 होगा. कन्फ्यूजन करने के लिए 15 का स्क्वायर 225 भी दिया होगा जो अक्सर लोग टिक कर देंगे. या देखिए 1 एडअप हो रहा है, 8 एडअप हो रहा है, 27 हो रहा है और ये 64 हो रहा है. अब मेरे भाई अगर एडअप करेंगे तो आप देखो 1 का योग, 2 का योग, 3 का योग, 4 का योग, क्या एडअप होना चाहिए, 5 का योग. 125 एडअप करने का मतलब है 235. अब मेरे भाई 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 169. आखिरकार ये क्या है, 13 का योग, 11 का योग, 9 का योग. अब होगा 7 का क्यूब जो क्या होता है 343. यहाँ देखिए 4096 16 का योग. बहुत मैंने जोर दिया था 4096 पे. 16 का क्यूब है, 8 की पावर 4 है, 2 की पावर 12 है, 4 की पावर 6 है, 64 का स्क्वायर है. यहाँ तो खैर हम बात क्यूब की कर रहे हैं, ये 14 का क्यूब, 12 का क्यूब, 10 का क्यूब, 1000. ठीक है जी, यहाँ तक इसको देख सकते हैं.